वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स देखिए ये सनफ्लावर कितने प्यारा सा खिल रहा है। मेरे पास एक कनेर का प्लांट है तो मैं उस पर जो है एयरलिंग करके देखूंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स ये इस टाइम है मैं इसको यहाँ से जो है थोड़ा कट करूँगी, और कट करने के लिए जो है हमें एकदम जो है तेज़ धार वाला जो है चाकू वगैरह हमें इस्तेमाल करना है, या फिर आपके पास कोई और टूल हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास टूल नहीं है, मैं ये ब्लेड ले रही हूँ। चाकू मेरा जो है तेज नहीं है काम कर रहा, तो मैं इसी से ही करके देखती हूँ। तो करना कैसे है आपको, इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसे करके राउंड शेप में जो है हमें कट लगाना है ऐसे करके, और ध्यान रहे कि कट हमारा अंदर पूरे इसकी इस टाइम में ना जाए, हल्का बस जो ऊपर की जो इसकी छाल है ये ही जो है उतरे इस तरह से। देखिए इस तरह से जो है हमें इसके ऊपर की छाल उतारनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको जो है इस एयरलिंग करने के लिए जो है मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ी सी मिट्टी, और थोड़ी सी मैं इसमें गोबर खाद मिलाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए ये मैंने मिक्सचर जो है तैयार कर लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई है, थोड़ा सा अंडे भी मिला हुआ है, और इसमें मैंने मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद जो है मैंने लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाऊँगी साफ का। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने ये सारी की सारी मिट्टी जो है मैंने इस राउंड शेप में कर लिया। अब इसके हम दो भाग कर लेंगे इस तरह से ऐसे, और हम चलते हैं अपनी प्लांट की तरफ। तो देखिए यहाँ से हमने ये कट लगाया, तो हमें कैसे क्या करना है, इसको ऐसे करके इसमें जो है इसको दबा देना है ऐसे करके इस तरह से अच्छी तरह से, और फिर इसके ऊपर जो है हम लगाएंगे पॉली बैग और ये देखिए इस तरह से जो है हमें इसके ऊपर जो है लपेट देनी है अच्छी तरह से ऐसे दबा के, ताकि जो है ये हमारी जो मिट्टी है ना इधर उधर हिले नहीं टाइट करके। टेप जरूरी नहीं है कि हम टेप ही लगाएं, हम इसमें जो है धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पर पूरे पे इस पर टेप लगा दी, और यहाँ से भी मैंने एकदम से इसको सील कर दिया है ये देखिए। तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट हमें कितने दिन बाद मिलता है। जब इसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, इसमें रूट्स बन जाएंगी, तो ये मेरे जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने जो है इस पर ये एयरलिंग की थी, और देखिए मैंने ये 2 तारीख को की थी, तो आज इसे पूरा 1 महीना 5 दिन हो गए, और इसमें रूट जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है शायद तैयार हो गई है। मैंने यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी ये पिन्नी हटाई है यहाँ से, ये तो यहाँ पर देखिए ये रूट्स बनी हुई हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर भी। तो आज मैं इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ, और देखिए मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा फ्लावर के साथ। ये देखिए बड्स भी आई हुई हैं और फ्लावर भी आए हुए हैं। तो देखिए कितनी ईजिली तरीके से जो है हमारा न्यू प्लांट जो है तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो मैं देखिए खोल के दिखाती हूँ आपको। तो हमें जो है धीरे धीरे करके खोलनी है, ताकि हमारी रूट्स को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों देखिए ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी है, मैंने ये रेलिंग से जो है ये प्लांट तैयार किया है कनेर का। देखिए कितनी प्यारी सी रूट्स इसमें बनी है, और पूरा रूट से एकदम जो है भर गया है। 1 महीना इसे 5 दिन हो गए हैं आज, और देखिए इस पर जो है फूल भी खिल रहे हैं, ये देखिए बड्स भी बनी हुई हैं। तो इनको जो है मैं अब हटा दूँगी, और इस प्लांट को हम जो है हम अब जो है इस कटिंग जो हमारी ये जो तैयार हुई है इसको हमारा लगा देंगे हम इसको। तो इसके लिए मैंने जो सॉयल मिक्सचर जो तैयार किया है, देखिए यहाँ पर मैंने ये गोबर खाद लिया है, यहाँ थोड़ा फंगीसाइड लिया है, ये थोड़ा मैंने जो है राइज हस्क लिया है, और ये मैंने जो अपने गार्डन की सोयल ली है इसमें जो है सैंड भी मिला हुआ है।
तो मैं इसी में जो है मिला के इसको जो है लगाऊंगी और हमारा प्लांट जो है तैयार हो जाएगा लग के। तो इस तरह से जो है मैं इसको मिला लूँगी इसमें। तो दोस्तों देखिए हमारी जो ये एरेलिंग से जो प्लांट हमारा तैयार है, देखिए मैंने ये लगा दिया है अपने इस छोटे से गमले में, और जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे जो है बड़ा गमला दूंगी। और जो इस पे ये फ्लावर आए हुए हैं इनको सबको मैं कट कर दूंगी ताकि हमारे प्लांट्स को जो है अच्छी ग्रोथ मिले, सारी एनर्जी जो है हमारा प्लांट ले, ये फ्लावर या बर्ड्स ना लें। तो अब हम इसमें करते हैं वाटरिंग, और हमें इसे थोड़ा भी शेड में ही रखना है ताकि प्लांट हमारा जो है मरे ना और अच्छे से जो है सर्वाइव कर जाए। तो दोस्तों पानी हमें अच्छे से दे देना है ताकि पानी जो है हमारे इस गमले के नीचे जो ड्रेनेज होल बने हैं वहाँ से जो है निकल जाए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।